जोब सच चैनल में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टी एफ आर आई जबलपुर में जो वैकेंसीज आपके आउट की गई थी उस कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट आउट की गई थी जिसमें एल डी सी एम टी एस ड्राइवर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट आउट की गई थी उनकी एग्जाम डेट और आपका सिलेबस जारी कर दिया गया है तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है कैंडिडेट के पास अपनी तैयारी में स्टार्ट कर दें जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है जरूर अपनी तैयारी जो भी आपका सलेबस है वो जरूर उसी के हिसाब से करें सिलेबस आप देख सकते हैं मैं कंप्लीट आपको दिखाने वाला हूं पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं जो कि आपकी आउट की गई थी कितनी पोस्ट थी उसमें टोटल उसका हिसाब से पोस्ट की डिटेल आप देख सकते हैं तकनीकी सहाय की टोटल छः पोस्ट थी लोअर अपर लोअर डिवीजन क्लर्क की उसकी आपकी सात पोस्ट थी बहुत ही अच्छी पोस्ट आउट की गई थी लोअर डिविजन क्लर्क के लिए पिछली बार जो वैकेंसीज आउट की गई थी उसमें बहुत सारे कैंडिडेट टाइपिंग में फेल हो गए थे इसी वजह से दोबारा से वैकेंसीज आउट हो गई उसके बाद में टेक्नीशियन प्लम्बर की एक वैकेंसी थी ड्राइवर की एक वैकेंसीज और मल्टी टास्किंग स्टाफ की एक वैकेंसीज इस प्रकार से ये वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी जिसका एग्ज़ाम डेट और जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर जल्दी आपके पास स्क्रीन पे आप ये नोटिस देख सकते हैं जो कि उस कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर की तरफ से जारी किया गया है जिसमें आप कंप्लीट देख सकते हैं कौन सी एग्ज़ाम कितने तारीख को रहने वाली है तकनीकी की आपकी एग्ज़ाम छः फरवरी को आपको एग्ज़ाम रहेगी नौ बजे से बारह बजे तक की अपर जो लॉर डिवीजन क्लर्क की आपकी सात फरवरी की एग्ज़ाम रहेगी नौ बजे से ग्यारह बजे तक ड्राइवर की आपकी आठ फरवरी की, की एग्ज़ाम रहेगी नौ से ग्यारह बजे तक एम था आप की आपकी दस फरवरी की एग्ज़ाम रहेगी नौ से ग्यारह बीच में उसके बाद में तेरह फरवरी को आपकी एग्ज़ाम रहेगी आपकी नौ से बारह के बीच में जो कैंडिडेट आप देख सकते हैं जितनी भी कंप्लीट एग्ज़ाम आपकी फरवरी में रहने वाली है तो आपके पास एक महीने का टाइम बचा है आपके पास बहुत ही कम टाइम है आपके जल्दी से तैयारी स्टार्ट कर दें अभी मैं आपको सलेबस दिखा देता हूँ जो एग्ज़ाम है वो आपका एस एम एस आएँगे आपके ईमेल पे उसके बाद में एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे एम पे ऑनलाइन के थ्रू डाउनलोड आप कर पाएंगे पहला सलेबस आपका दिया गया टेक्निकल असिस्टेंट के लिए लेवल फाइव की आपकी पोस्ट रहने वाली है आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है जिसमें आप देख सकते हैं ट्वेंटी नंबर के आपके जनरल आंसर्स रहेंगे इसमें आपका क्या क्या रहेगा यू आपको कंप्लीट दिया गया है जनरल आंसर्स में क्या रहने वाला है उसके बाद में आपकी रहेगी रीजनिंग जिसमें देख सकते हैं टोटल दोनों आपके बीस नंबर के रहने वाले हैं क्वेश्चन इसमें उसके बाद में जनरल इंग्लिश और जनरल साइंस आपके बीस नंबर के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आप देख सकते हैं दस नंबर की आपकी हो सकती है आपकी जनरल इंग्लिश हो दस नंबर की आपकी जनरल साइंस हो इस प्रकार से टोटल बीस नंबर के रहेंगे उसके बाद में जो अर्थमेटिक है वो बीस नंबर की रहेगी अर्थमेटिक में क्या क्या आएगा वो इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसकी पीडीएफ आपको वेट टू जोबसेट डॉट कॉम पर भी मिल जाएगी जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जिसकी उसके बाद में नेक्स्ट आप देख लेते हैं नेक्स्ट आपकी जो दी गई है इस प्रकार से सभी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए दिया गया है टेक्निकल असिस्टेंट आपका जो लेव है फील्ड और लेव वाले के लिए टोटल आपके जो चालीस आप क्वेश्चन रहेंगे जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी और मैथमेटिक्स इनमें अलग अलग जिसके भी सब्जेक्ट है उसी हिसाब से आपके चालीस क्वेश्चन रहने वाले हैं जो भी सब्जेक्ट आपके पेपर आपने अप्लीकेशन में फॉर्म करते हुए फिलअप किया है उसी सब्जेक्ट के आपके चालीस क्वेश्चन रहेंगे बाकी के आपके जो क्वेश्चन ऊपर दिए गए हैं साठ क्वेश्चन वो रहेंगे बाकी चालीस क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में से आपके रहेंगे जो भी सब्जेक्ट आपने फिलअप किया है उसी सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं बोटनी के जो आप देख सकते हैं इसमें आपके बोटनी के क्या क्या आएगा ये सभी आपके इसमें पॉइंट दिए गए हैं इन्हीं सभी पॉइंट में से आपके आने वाले हैं ये बोटनी की दिखाई दे रहे हैं आपको उसके बाद में आपको मैं दिखा दूँ कि जो नीचे दिया गया है वो क्या है नीचे आप जूलॉजी का देख सकते हैं जूलॉजी में जो भी कि आपने यदि अप्लाई आप किया था जूलॉजी से तो जूलॉजी के आपके पूरे पॉइंट इसमें दिए गए हैं पॉइंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसकी पीडीएफ आपको मैंने बता दी है कहाँ से डाउनलोड करनी है इसी प्रकार से कंप्लीट आपको जो भी पीडीएफ दी गई हैं उनके हिसाब से ही तैयारी करनी है वो कम्प्लीट आपका सिलेबस है जैसे आपका बायोटेक्नोलॉजी है उसका भी आपका दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो भी आप सब्जेक्ट हैं वो आप ही प्रिपेशन के लिए बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट दिए गए मतलब आपका एक एक पॉइंट वाइज आपको दिया गया है कि कौन से पॉइंट से आपके सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये आप देख रहे हैं फॉरेस्ट्री का आपको देख सकते हैं इसके बाद में आपका जो बचा है मैथमेटिक्स का तो वो मैथमेटिक्स का भी आपको देख लेते हैं नीचे आप पूरा कम्प्लीट ये फॉरेस्ट्री का दिया गया है इसके बाद में एग्रीकल्चर का दिया गया है एग्रीकल्चर से भी आप अप्लाई कर सकते थे तो एग्रीकल्चर का भी आपको दिया गया है कंप्लीट जो भी आपका पैटर्न दिया गया है इसमें आपके पॉइंट दिए गए हैं पॉइंट में भी आपको क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में भी दिया गया है इससे आपको कंप्लीट आपको गाइड हो जाएगा जिससे जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है इसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं आपके पास एक महीने से ऊपर पड़ा है तो आराम से इन सभी पॉइंटों को एक बार ज़रूर देख के जाएँ जिससे आपको अच्छे से तैयारी हो पाएगी नहीं तो आप यदि बिना ऐसी ऐसे पॉइंटों के बिना चले गए देखने के तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी इसके बाद में आप देख सकते हैं लोअर डिवीजन कलक के लिए आप टोटल जनरल आंसर के लिए आपके रहेगा बीस नंबर का जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपकी रहेगी बीस नंबर की नोमेरिकल रहेंगे आपके बीस नंबर के इस प्रकार से स्टैंडर्ड रहेगा आपका ट्वेल्थ का स्टैंडर्ड में क्या क्या रहेगा वो सभी आपको नीचे इसमें दिया गया है और टोटल आपके जो दिए गए हैं बारहवीं स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन रहेंगे वो चालीस नंबर के रहेंगे और उसमें क्या क्या आएगा वो इसमें दिया गया है कंप्लीट आप जाके चेक कर सकते हैं इसके बाद में आपका दिया गया टेक्नीशियन मेंटेनेंस वर्कशॉप जनरल साइंस के लिए आपके क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं टेक्नीशियन की पोस्ट थी जिसमें आपके बीस नंबर के जनरल आंसर रहेंगे रीजनिंग और मेंटेबिलिटी आपकी बीस नंबर की रहेगी जनरल इंग्लिश आपकी बीस नंबर की अर्थमेटिक बीस नंबर के और जनरल साइंस आपकी बीस नंबर की इस प्रकार से आपका कंप्लीट दिया गया है उसके बाद में आपका टेस्ट होगा टेट टेस्ट में इसमें होने वाला है टाइपिंग टेस्ट आपका ट्वेल्थ वाला एम और ड्राइवर के लिए आप दे सकते हैं जनरल आंसर जो बीस नंबर के आपके रहेंगे जनरल इंग्लिश जो रीजनिंग है वो आपकी बीस नंबर की रहेगी और न्यूमेरिकल आपके बीस नंबर के रहेंगे और टेंथ बेस के जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो दिए गए हैं कंप्लीट इसमें वो आपके बीस चालीस नंबर के रहेंगे इस प्रकार से आपका हंड्रेड नंबर का आपका पेपर रहेगा एक बटा चार माइनस मार्किंग सभी पेपर्स में होंगी जितने भी आपके क्वेश्चन जितने भी एग्जाम लगने वाले हैं ट्रेड वाइज में सभी में आपके एक बटा चार माइनस मार्किंग इसमें रहने वाली है और मैं आपको बता दूं कि जो आपके ड्राइवरी टेस्ट ट्रेड है उसमें ड्राइवरी का आपका स्किल टेस्ट भी करवाया जाएगा और जो एम है उसमें भी आपका स्किल टेस्ट रहेगा तो जो भी कैंडिडेट हैं स्किल टेस्ट के भी आपके मार्क्स नहीं होने वाले हैं लेकिन जो भी आपके स्किल टेस्ट पास करना बहुत ही ज़रूरी है ड्राइवरी टेड में भी आपका स्किल टेस्ट ड्राइवरी का रहेगा एम में हो सकता है दौड़ भाग या आप जो भी आपका रेटर राइटिंग में ऐसे राइटिंग आपसे लिखवाई जा सकती है तो आप उसी के लिए आपकी स्किल टेस्ट की तैयारी भी आप जल्दी स्टार्ट करनी होगी जो भी कैंडिडेट हैं ड्राइवरी वगैरह से एम जो ट्रेड से या जो आपके जो भी कलर ट्रेड से हैं या टेक्निकल असिस्टेंट की उनके भी आपका स्किल टेस्ट रहता है तो ये सभी ट्रेड्स पे आपका स्किल टेस्ट भी रहता है लेकिन उसके मार्क्स नहीं होते हैं आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है इससे संबंधित किसी भी अदर कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसकी पी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी तो वहाँ से भी आप जाए जा चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों